टोटलिटी ना मिलके काफी अच्छी चल रही है। सनसेट तो देख लिया होगा, अब ये मून राइज भी देख ले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विनी मोटो व्लॉग्स। सो आज जो सफ़र है, आज सफ़र है हमारा चहल का, विच इज़ अराउंड 350-400 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली एंड इट इज़ नियर टू शिमला एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। और पहला दिन जो है हमारा, जो ये व्लॉग आप देखने वाले हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि हम दिल्ली से चहल कैसे पहुँचते हैं और कौन कौन सी साइट्स बीच में पड़ेंगी। हालांकि मैंने रात को ये व्लॉगिंग नहीं करी है ज़्यादा, क्योंकि रात को कुछ दिखाने को था नहीं और ऑलमोस्ट सारी जनता ने दिल्ली टू अम्बाला तक देखा हुआ। तो मैंने जो अपना व्लॉग है वो स्टार्ट किया पिंजौर से, जब दिन निकल गया तो हमें पहाड़ दिखने चालू हो गए थे, तो उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू किया है चहल तक। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप देखेंगे कि चहल के नियर बाय प्लेसेस में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं और काफी यूट्यूबर्स ने आपको शायद ना दिखाई हो, जो हमने एक्सप्लोर की थी और मैंने भी कभी यूट्यूब पर नहीं देखी थी वो वाली साइट्स। सो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच दिस सीरीज ऑफ चहल एंड राइट नाउ प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आप देख सकते हैं पहाड़ आ गए हैं और जैसे जैसे पहाड़ आ रहे हैं रिफ्रेशमेंट आ रही है, काफ़ी सुस्ताई आ रही थी, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मोमेंट में पहुंचता हूँ जहाँ पहाड़ पहाड़ दिखते हैं। अभी मेरे याड़ी तो आगे निकल के बैटरी चेंज करनी थी, बैटरी लो हो गई थी मेरी, तो बैटरी चेंज करने के लिए मैं रुका था। और काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, फेब 26 है आज, बट गर्मी बहुत है, लिटरली बता रहा हूँ। मैं वार्मर पहन के आया था रात को सोच के कि ठंड होगी, बट मैंने अपना वार्मर भी उतारा है, लाइनर भी उतारा है और अब सिर्फ ये नॉर्मल जैकेट है और इसके अंदर एक स्वेटशर्ट है, वो भी बहुत पतली है। बाकी अब थोड़े से वादियों में आएंगे तो मौसम शायद चेंज हो, पर शाम को तो अच्छा हो जाता है यहाँ पर मौसम। बाकी कोई आसार नहीं लग रहा, एक्वेदर दिखा रहा था कि बारिश होगी, बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा बारिश होगी, कोई मौसम ही नहीं है, बादल ही नहीं दिख रहे। शाम को देखते हैं क्या मौसम होगा, थोड़ा ठंड तो होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मियों में भी मतलब वेदर अच्छा हो जाता है शाम को। मैगी खाने के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा तो खाना था बट प्रॉपर मेन कोर्स नहीं खाया हमने। रीज़न भी कि हमने कहा कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि अभी यार सबसे ज़्यादा मेन टेंशन है होटल की। आई नो होटल मिल जाएगा, बट यार थोड़ा सा टायरिंग फील कर रहे हैं कि अब जाके मतलब जैसे हम पूरी रात के सोए नहीं हुए तो सोचा था थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बट अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट होटल मिल जाए ना एक सटीक जगह पर बढ़िया था, फिर आराम से चिल आउट करेंगे इवनिंग। तो अभी ये कंडा घाट का ही रास्ता है, और सॉरी ये चहल का रास्ता है, इतना ही छोटा है, थोड़ा संभाल के चलानी पड़ेगी, बजरी भी पड़ी हुई है। जैसे मैं आपको चहल के बारे में बता देता हूँ, चिली में जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश, जब समर कैपिटल हमारी शिमला हुआ करती थी तो वहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो वहाँ पे एक वाइसरॉय था, एक हमारे पंजाब के महेंद्र जी, या मैं आपको नाम पूरा क्लियर कर दूंगा, आप चहल पैलेस पहुँच के, तो वो राजा हुआ करते थे पंजाब के। तो उनको ये बोला गया था कि आपका यहाँ पे मतलब आना मतलब मना है, आपको आप शिमला नहीं आ सकते। आई डोंट नो क्या इसके पीछे क्या स्टोरी थी, इतनी डिटेल में नहीं पता मुझे, अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर ले। वो राजा महाराजाओं के तो भैया थोड़ा वो होता ना, ईगोइस्टिक होते हैं वो, तो उनके भैया ईगो पे लग गए, तो उन्होंने अपना चहल एक अपना हॉलीडे रिट्रीट बना दिया।
उसी की कहानी है चहल, और उसके बाद काफी टाइम तक वो रहे गूगल करने ना पूरी स्टोरी के लिए। मतलब फेब में काफी गर्मी है इस साल, बट गर्मी एक्चुअली में बहुत है, आप धूप के नीचे नहीं खड़े हो सकते, मेरे को तो बड़ी गर्मी लग रही है। बाकी पर हवा ठंडी है, हवा चल रही ठंडी है, शाम को मौसम काफी सटीक हो जाएगा मुझे पता है। गाइस तो वो देख रहे हो आप, वो जो पुल है उसका नाम है साधु पुल, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ साधु पुल, और बाकी नीचे वगैरह हम कल जाएंगे तो कल देखेंगे प्रॉपरली, अभी सिर्फ आपको पुल के ऊपर से लेके जाएंगे। यहाँ से एक बार आप व्यू देख लें, नाइस, बट पानी इतना ज़्यादा है नहीं जितना मेरे को एक्सपेक्टेड था, सूखा पड़ा है। मेरे दोस्त काफ़ी आगे निकल गए हैं, इंटरकॉम भी नहीं चल रहा जिसके कनेक्ट करके, खैर वैसे चलता भी ना तो काफ़ी दूर है, एक किलोमीटर तो सेना कह रहे, वो जा रहे वो दिख गए, अभी पकड़ते हैं इन्हें, बहुत तेज भाग रहे हैं। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर करना ना इस रास्ते पर रात को घूमो, बड़ा मज़ा आता है, ना बंदा ना बंदे की जात, और अंधेरा गुगेर, अरे जाने दे भाई जाने दे। ये HP वाले, जो भी मेरा भाई HP वाला देख रहा है यार, थोड़ा साइड वाइड दे दिया करो, रेस के मूड में क्यों आ जाते हो। चलो ये ठेका लास्ट ठेका है, ये चैल में भी मिलती है वैसे शायद, अब आप सोच रहे होगे कि मैं पीता हूँ नहीं पीता, गेस कर लो। चैल थैंक यू, मिस हो गया। अब मुझे पता नहीं मेरा भाई आगे तो नहीं निकल गया, वो बातों में बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है, मैप भी नहीं देख रहा होगा, वो निकल तो नहीं गया, कॉल करा जाए, अभी देखते हैं जरा थोड़ा आगे दिखता है तो। यार मैं भागा रहा हूँ, मेरा भाई मेरे से भी तेज भागा रहा है, उसे जोश चढ़ गया, मुझे लग रहा है मेरा भाई बाइक ना ले ले, उस वो सन की है इन चीज़ों में, सही जा रहा है। मैंने पूछ लिया भैया से, वो कह रहे हैं दो बंदे गए हैं बाइक में, तो मेरा भाई सही जा रहा है। ओह मुझे दिख गया, क्या हो गया भैया, ये किस चीज़ की है भैया, किसकी, चैल की एंट्री 10 रुपीज, तो 30 काटो ना, एक में ही कर दो, अलग अलग संभालनी पड़ेगी, एक में ही कर दो। Welcomes you. Okay, so we are in Chael now. So guys, आपको मैं चैल के नज़ारे दिखा देता हूँ, और मैं आपको genuinely बता रहा हूँ, हवा काफ़ी ठंडी है, मेरे को एक इस जैकेट को उतारने के बाद, ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ घूमूंगा जैकेट पहन के तो घूमूंगा नहीं, सो ये जैकेट उतारने के लिए मुझे इनर की ज़रूरत है, इतनी ठंड है इस टाइम यहाँ पे। सो ये चैल की मार्केट है, मेन मार्केट, और जो मुझे लग रहा है बंद तो नहीं है, बंद नहीं है, ये मेन मार्केट है, ये आप देख लो, ये चैल की मेन मार्केट, और चैल दोगी चला है। चलो भाई क्या हो गया अपना इंटरकॉम, अच्छा इंटरकॉम अपना बैटरी लो हो गई है, एक सेकंड, ये एरिया भी बढ़िया लग रहा है, ये मार्केट एरिया, पर एरिया अच्छा है ये। चलिए आपको एक रास्ता दिखाते हैं, यहाँ पे हम आए थे रॉयल स्विस कॉटेज, बट दोस्तों को ये लोकेशन बढ़िया नहीं लगी, हावेवर होटल बहुत शानदार है, चैल में आप सर्च करके देखना, बट लोकेशन मुझे भी, वैसे पहले मैं रुक चुका हूँ यहाँ पे, मुझे लोकेशन बढ़िया नहीं लगी थी, बट हमें थोड़ा सा, मैंने ऐसे आपको बताया ना, एक आंत में चाहिए होता है, तो मुझे ये सही लगा था रहने के लिए, होटल काफ़ी सेक्सी था और हमें काफ़ी सस्ता मिल गया था, इसलिए रुक गया था मैं।
2000 रुपये का, अदरवाइज 4-4.5 से 3500 का बहुत नॉर्मल मिलेगा आपको, मज़ा भी नहीं आएगा। बट अंदर से बहुत ही प्यारा बना हुआ है, मतलब 3500 वाला आपको वर्थ नहीं लगेगा 3500 का, मतलब वर्थ एज इन की लोकेशन को देख के। वैसे होटल बहुत नाइस है। हमें होटल ही नहीं मिला वो बार का, हम बस ऐसे घूम रहे हैं, टाइम हो गया है 5 बज गए हैं, हमें होटल ही नहीं मिला। अब पता नहीं, एक जगह जा रहा हूँ, एक होटल लिखा है ईस्ट वैली व्यू, ये है उसकी रोड, आप खुद देख लें, पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है इस टाइम। और अब देखें जरा वो होटल कैसा सा है, लोकेशन तो अच्छी है। फाइनली गाइज एक होटल मिल गया है 3 घंटे की मुशक्कत करने के बाद, और हमने सोचा चलो इसी को बुक कराते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया था हमारा। अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, हालांकि थोड़ा सा स्पूकी सा लग रहा है, बट अंदर अभी आप देखें कैसा है। ओके गाइज, सो मैंने कहा था आपको अंदर का एम्बियंस दिखाऊंगा। सो ये चैल इन, द चैल इन है, ये कुछ इस तरह का एम्बियंस है इसका, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि जिस तरह से बाहर से अंदर से ऐसा नहीं है। ये रिसेप्शन एरिया है और ये है अपना डाइनिंग एरिया, कह दो रेस्टोरेंट कह दो, और यहाँ पे किचन, नो प्रॉब्लम।